दो प्याज राउंड स्लाइस करके हाफ कप ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए हैं और साथ ही 6 कलियां मैंने लहसुन की डाल दी हैं और इनको धीमी आंच पर हम सौते करेंगे। इसके बाद साथ ही मैंने मसाला लिया है और मसाले में 1 टेबलस्पून मेरे पास साबुत धनिया है, 1 टीस्पून साबुत जीरा, हसबे जायका नमक, 1/2 टीस्पून दादर मिर्च, 20 साबुत काली मिर्चें और 1 टीस्पून के बराबर मेरे पास मोटा कुटा हुआ गरम मसाला है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसालों में रद्द बदल कर सकते हैं। बेसिक मसाले यही इस्तेमाल करें। प्याज जो है ये मीडियम ब्राउन हो गया है, हमने इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर सभी मसाला जात और इनको धीमी आंच पर पानी का छींटा लगाकर अच्छे तरीके से भून लूँगी। पानी का छींटा लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि मसाले जो हैं वो जलने ना पाएँ। चम्मच आप मुसलसल हिलाती रहेंगी। इसके साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर शामिल कर दिया है। आप ताज़ा अदरक भी शामिल कर सकते हैं। 2 मोटे कटे हुए टमाटर भी मैंने शामिल कर दिए हैं और अब मैं चम्मच चलाते हुए सभी टमाटर और लहसुन की कलियों को जो मैंने शुरू में साबुत डाली थी उनको मैं मसाले के साथ अच्छे से मैश कर लूँगी। इससे बहुत अच्छा जायका बनेगा मसाले का। आप देख रहे हैं कि मसाले में घी अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर बॉयल किए हुए चने 1 बोल डाल दूँगी और इनको मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिला के भून लूँगी। इसकी भुनाई अच्छे से होनी चाहिए और भुनाई में इस बात का ख्याल रखें कि चने जो हैं वो सख्त ना हों। मसाले ने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसी के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून सिरका जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और सिरका डालने से चावल भी आपके खिले खिले रहेंगे। पानी मैंने नाप कर अलग रख दिया है जी। तो मसाला मेरा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है तो मैं इसके अंदर 3 बोल भर के पानी के डाल दूंगी और पानी जब गर्म हो जाएगा या इसके अंदर जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो तब आप चावल इसके अंदर पहले से भिगे हुए शामिल कर देंगे। ठंडे पानी में कभी भी चावल शामिल नहीं करें। शामिल जो करने वाले चावल हैं वो मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए हैं। ये कच्ची बासमती के चावल हैं जो मैंने 1.5 बोल लिया है। चावलों को अब मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसाले और पानी के साथ और इनको पहले 5 मिनट तक तेज़ आँच पर और फिर 15 मिनट तक ढक्कन देकर मीडियम आँच पर पकाऊंगी। इस बात का खास ख्याल रखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी पानी जो है खुश्क हो गया है। अब मैंने तवा बर्नर पर रख कर उसको गर्म कर लिया और 15 मिनट का मैंने दम लगा दिया है। दम में मैंने मिर्चें शामिल कर दी थी, कट लगा के ज़रूर शामिल करिए। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए किस कदर खिले खिले और खूबसूरत चावल बने हैं जिनकी खुशबू और जायका दोनों ही आपको मुद्दतों याद रहेंगे। घर के ज़रूरी अज्जा से बनने वाले ये चावल यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे जिनमें कोई गैर ज़रूरी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई। अल्लाह हाफिज़।